व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे ओ माय गॉड आरसीबी क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स, कोहली रिएक्शन। ओ भैया कोहली का रिएक्शन छोड़ो आप, मैं कहता हूँ पूरी आरसीबी की टीम का जो रिएक्शन था ना जीतने के बाद, अनुष्का शर्मा का भी जो रिएक्शन, क्राउड का रिएक्शन सबका ही। और देखते पूरी वीडियो, पाहुल भाई का क्या कुछ कह रहे हैं। 1 2 3 गो। 1% चांस यार, वो 1% चांस से उम्मीद लगा के तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो, ये आज आरसीबी ने हमें दिखा दिया है। कैसे यार, कैसे ये लोग 10th पोजीशन पे होने के बावजूद भी आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ये पीक आईपीएल नहीं तो और क्या है। और भाई नॉकआउट किया इन्होंने सीधा 5-time चैंपियन सीएसके को। धोनी वर्सेस कोहली, आरसीबी वर्सेस सीएसके, इसी दोस्ती से हमने सीजन की शुरुआत की थी और आज इसी की राइवलरी की वजह से हम आज सीजन का बेस्ट मैच देख पाए हैं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, ये वही आरसीबी की टीम है जिसने अपना सेकंड मैच जीतने के लिए 1 महीने का टाइम लिया था और अब 6 matches लगातार जीत गई है। एंड इनके और ट्रॉफी के बीच में सिर्फ 3 wins का फासला रह गया है, पहले 8 में से 1 match और अगले 6 में 6। अनबिलीवेबल टर्न अराउंड यार, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी यहाँ तक कि आरसीबी के खुद के प्लेयर्स ने, तब मोटा भाई ने अपनी स्क्रिप्टिंग का जादू दिखाया है, या फिर मेरी प्रेडिक्शंस का असर था। साले को भम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। 3 मई को ये टीम 10th पोजीशन पे थी और लोग मजाक बना रहे थे, बोल रहे थे ये तो आरसीबी है, इस बार तो दिल भी नहीं जीत रहे और कितना खराब खेल सकते हैं। And sometimes that chance is good enough. I make that 1 into 10, then throw that 10 into 30 and eventually something magical might come out. Keep in mind. मोमेंट तो था भाई जब जड्डू भाई ने लास्ट बॉल भी मिस कर दी और उसके बाद सारे प्लेयर्स पागलों की तरह भाग रहे थे। विराट कोहली एज यूजुअल इमरान ताहिर बने घूम रहे थे, सिराज भाई स्यू स्यू कर रहे होंगे और अनुष्का शर्मा का भी रिएक्शन प्राइसलेस था। देखो यहाँ मानना पड़ेगा हर एक प्लेयर ने इस मैच में अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया है और इनके रिएक्शन से ही दिख रहा था कि ये क्वालिफिकेशन क्या मीन करती है इनके लिए। सही में यार, लोग गलत नहीं कहते जब वो कहते हैं कि आरसीबी इज नॉट जस्ट अ टीम, इट्स एन इमोशन। तुम मैच के बाद की वीडियो देख लो यार, पूरा बेंगलुरु सेलिब्रेट कर रहा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, पार्टियां कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे हैं। इकलौती ऐसी टीम होगी जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के बाद ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे भाई आईपीएल जीत गए हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन सही में जीत गए तो क्या होने वाला है। ये तो दिख रहा था कि फैंस कितने ज्यादा लॉयल है, उम्मीदें इस बार भी कम लग रही थी लेकिन सपोर्ट 200% था और टीम ने भी परफॉर्म कर दिया। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अब क्या लग रहा है तुम लोग को, टॉप 4 तो इन लोगों ने निकाल लिया है तो क्या ट्रॉफी के सपने देख सकते हैं? भाई तुम जाके रिकॉर्ड में चेक कर लो कि आईपीएल शुरू होने से पहले तुम्हारे भाई ने जो आईपीएल प्रेडिक्शंस की वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था। 4 teams जो प्लेऑफ जा सकती है उसमें से 3 teams करेक्ट आई है एकदम, सिर्फ एक केकेआर आ गई है सीएसके की जगह, पर इतना तो बनता है यार, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं। अब देख लो थोड़ी बहुत नॉलेज तो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 600 के फटाफट से हो जाए। बस 10,000 रह गए आईपीएल खत्म होने से पहले, 600 के कर लेंगे तो थोड़ा हम भी पार्टी कर लेंगे। मानना पड़ेगा इस बार तो बारिश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, किस्मत इनके साथ थी इस बार। लास्ट ओवर तक मैच गया था, इतना तो पता था कि सीएसके जीत नहीं पाएगी लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत आसान थी क्योंकि 17 रन चाहिए थे और बैटिंग पे धोनी और जड्डू थे। यार पहली बॉल पे ही थाला का 110 मीटर का सिक्स आ गया था और अगली बॉल पे यश दयाल ने गेम पलट दी। मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया नहीं किया बट थाला गाली देते हुए जा रहे थे और अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जड्डू हर बारी थोड़ी 10 रन बना देगा 2 बॉलों में। मोहित शर्मा को मार दिए होंगे लेकिन ये है न्यू यश दयाल और ये उसका रिडेम्पशन आर्क चल रहा है। एक वो दिन था जब रिंकू से 5 छक्के खा लिए थे भाई ने और आज इंडिया के करंट और एक्स बेस्ट फिनिशर होने के बावजूद भी उनको मैच फिनिश नहीं करने दिया। मेरे लिए यश दयाल सबसे अंडररेटेड हीरो रहा है इस मैच का। इसने पहले भी काफी अच्छी इकोनॉमिकल परफॉर्मेंसेस दी है इस सीजन में लेकिन आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अरे रिंकू सिंह ने खुद स्टोरी डाल के अप्रिशिएट किया था। रिंकू भाई चाहे धोनी की कही हुई बात भूल गए हो लेकिन यश दयाल ये धोनी की विकेट कभी नहीं भूलने वाला क्योंकि हो सकता है यश दयाल इज द लास्ट पर्सन जिसने माही भाई को करियर में आखिरी बार आउट किया है। यार थाला की वो एक फोटो जो वायरल हो रही है जिसमें इतने सैड बैठे हुए वो सब देख के दिल से टूट जाता है। अब सस्पेंस ज्यादा मत रखो माही भाई, बता दो ना कि कल इंस्टाग्राम पे मैं पल दो पल का शायरू वाला एडिट आने वाला है या फिर एक और डेफिनेटली नॉट। बुरा तो मुझे ये सोच के भी लग रहा है कि इतने टाइम से हमने हर्षा बोगले और थाला का इंटरेक्शन ही देख रहा है जिसमें हर्षा बोगले इंग्लिश में सवाल पूछते हैं और थाला डेफिनेटली नॉट बोल के निकल जाते हैं। आधा टाइम तो हर्षा बोगले की इंग्लिश मुझे भी समझ नहीं आती। सीएसके मैच हार गई, प्लेऑफ से एलिमिनेट हो गई, उसका उतना ज्यादा दुख नहीं है लेकिन माही भाई अब कब खेलते हुए दिखेंगे हमें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माही भाई तुसी ना जाओ ना, अभी तो इतने सारे थाला फॉर अ रीजन वाले जोक्स बनाने बचे हैं। आरसीबी सीएसके डीसी एलर्जी सबने तो आपको ट्रिब्यूट दिया है, 7 wins है 7 losses है। अरे इस मैच में खुद आपने 25 रन बनाए, 2+5 7 थाला फॉर अ रीजन, मैसेज इज क्लियर, कब बोलूंगा अब मैं ये। और यार आपने वादा किया आपका लास्ट गेम चेपॉक में होगा, ये चेपॉक नहीं था तो अपना वादा पूरा करके जाओ। लास्ट तो नहीं था जी संजो, अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा, इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि।
आज की इनिंग ने इतना तो प्रूव कर दिया कि जडेजा इज अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंट मैचेस। ये बंदा पूरा सीजन चाहे जैसा मर्जी खेले लेकिन जब जरूरत पड़ती है टीम को सबसे ज्यादा उस दिन सबसे ज्यादा अच्छा खेलेगा। हाँ, वो लाइन क्रॉस नहीं करवा पाए, 10 रन नहीं बन पाए एंड में, बस वो जड्डू भाई वर्ल्ड कप में देख लेना, वो लाइन क्रॉस हो जानी चाहिए। टेंशन नहीं लेने का पैफ भाई, आपको भी फॉर्म में आने के लिए अपनी एक्स ही मिली थी। बल्ले से जो कुटाई करी है बंदे ने वो एक तरफ, लेकिन गिरते पड़ते उड़ते कैचेस फील्डिंग बहुत बढ़िया करके गया और गेम चेंजर था। मैं तो मानता हूँ इसकी कैप्टनसी का सबसे बड़ा रोल रहा है कि आज टीम 6 में से 6 मैच जीत के बैठी है। फैफ भाई के लिए रिस्पेक्ट तो बनती है यहाँ पे। लोग कोहली के साथ ज्यादा सिंपथाइज कर लेते हैं आरसीबी फैंस, लेकिन फैफ भी है यार जो ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड उतने ही एफर्ट्स डाल रहा है टीम को जिताने के लिए। एंड फिर वही ऑस्ट्रेलियंस और उनका अच्छे मैचेस में अच्छा खेलने की आदत। यार तुम देखो मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन दोनों ने आज अच्छा कैसे खेल लिया एक साथ। ऑस्ट्रेलियंस के डीएनए में भरा हुआ है भाई इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छा खेलना। आरसीबी द ओनली टीम बन चुकी है जिसने हार्दिक पांडे और एमआई वाले ट्रेड से अपना फायदा करवा दिया। अपने सीएसके को इंपॉर्टेंट मैच में हराना है तो एक मुंबई का प्लेयर तो लगेगा ना, और एक आरसीबी का प्लेयर चाहिए था सीएसके में जो आरसीबी को जिताए। ऑल हेल लॉर्ड दुबे। दुबे भाई गेम को डीप लेके जाना था, फिनिश करना था, आप तो डुबा के आ गए। इंपॉर्टेंट मैच में 7 रन 15 बॉलों की क्विक फायर इनिंग्स। डर का माहौल है दोस्तों, क्योंकि यही हमारा मिडिल ऑर्डर संभालने वाला है शायद वर्ल्ड कप में। तो चलो होता रहता है ये तो। अरे जैसी दुबे भाई ने परफॉर्मेंस दी है सीएसके के डगआउट में तो एंट्री नहीं मिली होगी, थाला ने तो भगा दिया होगा, आरसीबी वाले में ही गए होंगे वापस। सालों पहले आरसीबी ने इसमें इन्वेस्ट किया था और आज जाके इसने कर्ज चुका है। रोहित भाई वो देख लो, अगर वो रजत पाटीदार को टीम में डाल के दुबे को निकाल के रिजर्व्स में डालने का कोई प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंट तो रजत पाटीदार ही है और दुबे जितनी इनकंसिस्टेंसी किसी प्लेयर ने नहीं दिखाई है सिलेक्ट होने के बाद अभी तक। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि रजत पाटीदार से इस मैच में 50 मत एक्सपेक्ट कर लेना, क्योंकि भाई की काउंटिंग 5 के बाद खत्म हो जाती है। तो इस बार इंपैक्ट देना था, 40s में दे दिया। ये वो प्लेयर है जिसपे आरसीबी ने अंधा फेथ दिखाया है और अब जाके ये अच्छे से डिलीवर भी कर रहा है उनके लिए। एक कीपर बैट्समैन का पता नहीं, लेकिन दूसरा कीपर बैट्समैन जो है वो जीत सकता है इस सीजन का आईपीएल। डीके भाई की बात कर रहा हूँ, आज भी एक इंपैक्टफुल नॉक खेल के गया है बंदा। एक चीज तो है यार कि स्वप्निल सिंह इज द रीजन कि आरसीबी आज इतना अच्छा कर पा रही है। तुम मानो या ना मानो लेकिन इसके आने के बाद से टीम की किस्मत पलट गई है और हर मैच में इसका कोई ना कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिससे टीम को जीतने में हेल्प हो जाती है। पर यार एक बात तो है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी अब जाके टीम के लिए काउंट हो रही है। विल जैक्स की वो सेंचुरी 50 बॉल 10 रन में जो आए थे जीटी के अगेंस्ट, करण शर्मा की केकेआर के अगेंस्ट वो सिक्सेस, सिराज के वो 2 सिक्सेस एलएसजी के अगेंस्ट, या फिर डीके की वो 80 प्लस की फाइट बैक एसआरएच के अगेंस्ट। भले ही ये सारे मैचेस आरसीबी जीती ना हो लेकिन इन सब छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आज इनका नेट रन रेट इतना बेटर है कि ये तीन और टीम्स को सेम पॉइंट्स होने के बावजूद भी नीचे छोड़ के क्वालिफाई हो गई है। मैं तो भाई रहाने भाई को फॉर्म में आता देख के ही समझ गया था कि आज तो चेन्नई के लगने वाले है। बंदा पूरे 13 मैचेस में नहीं चला लेकिन आज 150 के स्ट्राइक रेट से रन मारे, क्योंकि अगले साल ऑक्शन में अनसोल्ड किसको जाना है। रजन रविंद्र ने भी इसी लॉजिक से इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। अब आना भाई अगले साल नहा धो के देखेंगे ऑक्शन में आपको। बट इन सब में यार यू हैव गॉट टू फील बैड फॉर ऋतुराज। इसने सीएसके की बैटिंग लाइनअप को कैरी किया है पूरा सीजन, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, अच्छे तरीके से रन बनाए हैं, बस टॉस हारता रहा और आज जब टॉस जीत गया तो बेचारा इंपॉर्टेंट मैच हार गया। एंड डेब्यू सीजन एज कैप्टन था, आई वुड स्टिल से वेल प्लेड। विराट कोहली ने भी एक और अच्छी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली, शुरू में अच्छी स्टार्ट दे दी टीम को एंड हमें भरोसा दिला दिया कि अगर ये बंदा ऐसी स्टार्ट देगा तो भाई वर्ल्ड कप में 200 रन कहीं नहीं गए। खैर इतना तो दिख रहा है कि विराट का रोल आरसीबी के लिए अब चेंज हो चुका है, नीचे बैटिंग पे अब टीम को भरोसा है। तो विराट कोहली भी एंकर वाली इनिंग्स नहीं खेल रहा है, आता है रन मारता है निकल जाता है और करते करते 700+ रन हो चुके हैं सीजन के। एंड आई थिंक ऑरेंज कैप भी ये बंदा जीत के जाएगा। और यार मैं अच्छा वाला खुश था विराट की इस इनिंग्स को देख के, लेकिन फिर मैंने ट्विटर पे एक फोटो देख ली 18th को 19th की याद दिलाने वाली। तुम भी देख लो, मैं तो निकल रहा हूं भाई। भैया शर्म करो, शर्म, अच्छा बात है। इतना तो है कि बाकी की टीम 7 मैचेस के बाद खेलना शुरू हुई है लेकिन ये बंदा मैच 1 से खेल रहा था। तो ये जो आज प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं सबसे पहले खुश होना यही डिजर्व करता है। अब फाइनली विराट और आरसीबी के वो हैप्पी वाले एडिट्स देखने को मिलेगा। पहले तो भाई इतने सैड सैड एडिट्स रोज आ रहे थे। मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स डालता रहता हूं, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो @pahul वाले पे फॉलो कर लेना। मेरे को ये समझ नहीं आता कि विराट भाई को कोई काम नहीं होता तो फिर एक अग्रेसिव सेलिब्रेशन दे देते हैं, और इस बार तो अपने ही होम क्राउड को साइलेंट करने चला गया बंदा। भाई इन चक्रों में अगर अगले मैच में बैन मिल गया फिर क्या करोगे। एनीवे अब हमें 4 क्वालिफाइड टीम्स मिल चुकी है लेकिन टेबल में अभी भी हेर फेर हो सकता है, जो कि आज के डबल हेडर पे डिपेंड करेगा, जो कि लीग के लास्ट 2 मैचेस है। पहला मैच पंजाब वर्सेस हैदराबाद, अगर हैदराबाद ये मैच जीतती है तो भाई वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, प्रोवाइडेड राजस्थान केकेआर से हार जाती है। लेकिन अगर राजस्थान भी ये मैच जीत जाती है तो फिर राजस्थान सेकंड पोजीशन पे रहेगी और हमें आरसीबी वर्सेस एसआरएच देखने को मिलेगा एलिमिनेटर में एंड केकेआर वर्सेस आरआर क्वालिफायर 1 में। आज के पहले मैच में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हैदराबाद विल विन दिस मैच और सेकंड मैच में आई थिंक केकेआर जीत सकती है। दोनों मैचेस की फैंटेसी टीम्स ये होने वाली है।
मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसने जीतने के बाद ऐसे किया था। नहीं, बीच में विकेट के ऊपर भी। भाई देखो आरसीबी कुछ भी करो भैया, तुमने दिल तो जीत लिया और वो मैच भी जीत लिया है। अब थोड़ा सा सफर है, ये सफर भैया कैसे भी भैया कर जाओ ये वाला। और मान लो आरसीबी जीत जाए इस साल और वर्ल्ड कप भी जीत जाए, भाई साहब इतनी खुशी, मतलब कितने टाइम बाद। मतलब आरसीबी तो वैसे जीती नहीं है और इंडिया भी वर्ल्ड कप कभी जीती थी यार, T20 वर्ल्ड कप, भैया यार नवंबर वाला दुख मिट सकता है भाई, सीरियसली। लेकिन कल पूरी टीम में जो रिएक्शन, पूरी टीम के जो हमने रिएक्शन देखे हैं, पूरी टीम का जो कंट्रीब्यूशन देखा है, पूरे हर एक प्लेयर ने अपना जी जान लगा दिया कल, और वो देखने को मिला। और फिर वो कहता है टीम परफॉर्मेंस काउंट करती है, मैच में मैटर कल करती है, देखा आपने। लेकिन अगर धोनी आउट नहीं होते ना तो धोनी मैच निकाल देते इजीली, वो चीज़ है। लेकिन यश दयाल शाबाश, वक्त जज्बात सब बदल दिए तुमने पिछले साल से और अब साल अब तक, क्योंकि पिछले साल बताया जा रहा बंदा बहुत परेशान हो गया था, और इस साल देख लो आप आरसीबी मैच विनिंग हीरो, वो कहता ना कि रातों रात हीरो बन जाते हो, रातों रात जीरो हो जाते हो, तो वो चीज भी जीरो बन के भी हीरो बन के, मतलब जीरो वैसे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप में जैसे खुद से डिसअपॉइंट हो। एक होता है ना कि फिनिशर के लिए एक वो होता है कि भाई इस पे आप डिपेंड कर सकते हो, तो मुझे अभी भी रिंकू लगता है उस लेवल का, अभी भी मतलब, और वो कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेला भी। बहुत सारे यंग प्लेयर आए हैं नो डाउट, बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना फिनिशर वाली कि आप भरोसा कर सकते हो कि अभी रिंकू है, तो वो मुझे अभी भी रिंकू पे आता है वाला भरोसा। काश धोनी कह दे डेफिनेटली नॉट, एक सीजन और खेल ले तो मजा ही आ जाएगा भैया। बाकी मिलते हैं आपसे, एक सीजन और खेल लो डेफिनेटली नॉट, ये जरूर नहीं आ जाना चाहिए भैया, आ जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की टीआरपी कहीं ना कहीं धोनी की वजह से बहुत रहती है। धोनी, कोहली, मेन प्लेयर रोहित, मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।